हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलीगन, हिंदी में बोलते हैं बहुभुज। और आपके एग्जाम में इसे डेफिनेटली एक सवाल मिलता है और बहुत ही आसान सा टॉपिक है। बहुत आसानी से आप इसको समझ सकते हो, बहुत आसानी से आप इसको कर सकते हो। इसमें बस छोटे छोटे एक दो तीन पॉइंट्स होते हैं, अगर आप उन तीन पॉइंट्स को याद रखोगे तो बहुत आसानी से आप कर सकते हो पॉलीगन बहुभुज। और हमारे एग्जाम में पॉलीगन, कोई भी पॉलीगन नहीं पूछा जाता, हमारे एग्जाम में रेगुलर पॉलीगन पूछा जाता है। रेगुलर का जो मतलब होता है, ये होता है सम बहुभुज। कहने का मतलब इसके सारे कोण बराबर होते हैं। अगर हम लोग प्रत्येक कोण की बात करेंगे तो प्रत्येक कोण बराबर होगा और प्रत्येक भुजा भी बराबर होगी। प्रत्येक कोण और प्रत्येक भुजा बराबर होगी, कोण की वैल्यू बराबर होगी और भुजा की लंबाई बराबर होगी। बस ये पॉइंट आपको याद रखना है कि सारे कोण आपस में बराबर होते हैं और सारी भुजाओं की लंबाई भी आपस में बराबर होती है। तो पॉलीगन बनता कैसे है, पॉलीगन में क्या क्या चीजें होती हैं, ये सारी चीजें हम लोग वन बाय वन करके समझेंगे। देखिए, मैंने कुछ आकृति बना रखी है, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं पॉलीगन। पॉलीगन का मतलब होता है, पॉली का मतलब होता है बहुत, और गन का मतलब होता है भुजाएं, बहुत सारी भुजाओं वाली आकृति। जैसे इसमें तीन भुजाएं हैं, एक दो तीन, इसमें चार भुजाएं हैं, इसमें पांच भुजाएं हैं, इसमें छह भुजाएं हैं, इसमें आठ भुजाएं। तो ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, पॉलीगन। और पॉलीगन के आपको नेम्स भी याद रहने चाहिए, आपके एग्जाम में नेम्स में भी पूछ लेता है। तो जैसे ये हमारा होता है ट्रायंगल, सभी को मालूम है। ये हमारा होता है स्क्वायर या वर्ग, या अगर हम लोग रेगुलर पॉलीगन के नाम से समझेंगे तो चार तक तो हमको पहले से मालूम रहता है ये हमारा क्या होता है, स्क्वायर। फिर यहां से अगर हम लोग बात करें तो इसको हम लोग बोलते हैं पेंटागन। वैसे ये चार वाला है, इसको टेट्रागन भी बोल सकते हैं, इसको ट्राइगन भी बोल सकते हैं, लेकिन ये ट्रायंगल है, ये स्क्वायर है, पेंटागन। रेगुलर का मतलब सारी भुजाएं बराबर और सारे कोण। भाई इसके सारे कोण कितने के होते हैं, 60 के होते हैं। इसके सारे कोण कितने के होते हैं, 90 के होते हैं। इसी तरीके से पेंटागन है, इसी तरीके से इसको बोलते हैं हेक्सागन इंग्लिश में, मैं हिंदी में भी लिख देता हूं अभी, इसको बोलते हैं ऑक्टागन। इसके बीच में 6 और 7 के बीच में होता है हेप्टागन। इसके बाद में 8 के बाद में होता है नोनागन, और इसके बाद में होता है डेकागन, 10 भुजा वाली आकृति। ये हमारा होता है चतुर्भुज, ये हमारा होता है त्रिभुज, ये हमारा होता है पंचभुज, इसको हम लोग बोलते हैं पंचभुज। ये सारी आकृति के नाम कई बार आपसे पूछ लेते हैं। हेक्सागन को हम लोग षटभुज बोलते हैं, हेप्टागन को हम लोग सप्तभुज बोलते हैं। नाम याद रहने चाहिए, कई बार आपके एग्जाम में नाम भी पूछा जाता है। ऑक्टागन को मतलब हम लोग अष्टभुज भी कहते हैं, बस नौभुज कहते हैं इसको, नौ भुजाएं होती तो नौभुज हो गया। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 10 भुज बोलेंगे, 11 भुज, 12 भुज, 13 भुज। हिंदी में तो बहुत आसान है, इंग्लिश वालों को, ऐसे इंग्लिश वालों को ऑलरेडी आकृति के नाम याद ही रहते हैं, ठीक है। अब इसमें बेसिकली आपसे तीन चीजें पूछी जाती हैं, एक तो आपसे एंगल पूछा जाता है, कोण का मान पूछा जाता है, दूसरा आपसे भुजाएं, कितनी भुजाएं हैं, भुजाओं की संख्या पूछी जाती है। और आपसे ये पूछा जाता है कितने विकर्ण हैं, विकर्णों की संख्या भी पूछी जाती है। तो तीनों चीजों को हम लोग एक एक करके समझेंगे और आसानी से सारे सवाल भी देखेंगे, एग्जांपल्स भी देखेंगे। विकर्ण का मतलब देखो, ट्रायंगल में तो अब भाई विकर्ण बनते ही नहीं, यहां से स्टार्ट होता है, दो विकर्ण हो गए। एक संगत भुजा को छोड़ दो, उसके बाद में इस तरीके से मिला दो, ये विकर्ण हो गए। इसी तरीके से यहां से इसको मिला दो, 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 ये सारे क्या है, विकर्ण है। इसी तरीके से इसमें भी बना सकते हैं, तो कई सारे विकर्ण बनते हैं, एक आकृति में कई सारे विकर्ण बन सकते हैं। और ये जो विकर्णों की संख्या, बहुत आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं कि कितनी होती है। तो एक एक करके सारी चीजों को हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कोण के बारे में। कोण हमारे दो तरीके से होते हैं, एक हमारा होता है अंतःकोण और एक हमारा होता है बाह्यकोण। जैसे मैंने बोला ये हमारा त्रिभुज है, तो ये वाले जो कोण होता है इसको हम लोग बोलते हैं अंतःकोण, ये हमारा क्या है, अंतःकोण। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, एंटीरियर एंगल। स्पेलिंग मिस्टेक हो तो इग्नोर करना। जैसे अगर इसी लाइन को अगर हम आगे बढ़ाते हैं, तो ये जो हमारा किसी भी एक भुजा को आगे बढ़ा दो, किसी भी एक भुजा को अगर हम आगे बढ़ाएंगे
तो इंटीरियर एंगल के साथ में जो बचा हुआ एंगल बचता है इसको हम लोग बोलते हैं बाह्य कोण। या एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर, मेरे को ऐसा मालूम नहीं क्यों लग रहा है कि स्पेलिंग में कुछ एरर है, बट चलो बाय कोण हो गया। अगर ये 60 डिग्री है तो आप मेरे को बताओ ये हमारी क्या हो जाएगी, सीधी लाइन हो जाएगी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 120, क्योंकि सीधी लाइन पे जो कुल कोण बनता है कितना होता है 120 डिग्री होता है। ये अगर 60 है तो ये कितना हो जाएगा 120। अगर मैं इसी तरीके से स्क्वायर बनाऊं तो आप देखो ये कितना होगा 90 और ये भी कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। कहने का मतलब इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर मिलके हमेशा कितना होगा 100। तो आप इस चीज को याद रखोगे कि अंतःकोण प्लस बाह्य कोण जो सम होता है ये कितना होगा 180 डिग्री। ये पहला पॉइंट है जो आपको याद रखना है। इस पे एग्जाम में सवाल बनेगा, अभी मैं दिखाऊंगा कि कैसे हम लोग इसका यूज करेंगे, ठीक है। अब जैसे ये हमारा त्रिभुज है इसमें 60 60 60 ये तीनों कोणों का योग कितना हो गया 180 डिग्री हो गया। ये 90 90 90 टोटल कितना हो जाता है 360 हो जाता है। इसी तरीके से हम लोग आगे निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, चतुर्भुज हो गया, पंचभुज हो गया, षटभुज हो गया, ये सारी निकाल सकते हैं। अच्छा, इसका एक एक्सटीरियर एंगल 120 है, इसको बढ़ाओगे तो ये कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा। इसको बढ़ाओगे तो, या इसको बढ़ा दोगे तो ये कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा। इसी तरीके से पहले इसको बढ़ाया, फिर इसको बढ़ाएंगे, फिर इसको बढ़ाएंगे, फिर इसको बढ़ाएंगे, अल्टरनेट बढ़ाएंगे, जो एक बढ़ाया फिर दूसरी बढ़ाएंगे, फिर तीसरी बढ़ाएंगे। यहां पे बात करेंगे ये भी 90 हो जाएगा, ये भी 90 हो जाएगा और ये भी 90 हो जाएगा। अगर मैं सारे 22 कोणों को जोड़ू 120 120 120 टोटल कितना हो गया 360 हो गया। इंटीरियर एंगल हमारा कितना हो गया 180 हो गया। अगर यहां पर मैं सारे इंटीरियर एंगल की बात करूंगा तो 9 चौक 36 360 हो गया, और सारे एक्सटीरियर एंगल की बात करूंगा 90 90 90 90 9 चौक 36 ये भी कितना हो जाएगा 360 ही हो जाएगा। अच्छा, एक बात आपको याद रखना है और कि एक्सटीरियर एंगल, जैसे हमारा चाहे त्रिभुज हो, चाहे हमारा चतुर्भुज हो, चाहे हमारा पंचभुज हो, चाहे हमारा षटभुज हो, चाहे हमारा सप्तभुज हो, चाहे हमारा अष्टभुज हो, सारे एक्सटीरियर एंगल का सम देखो, त्रिभुज में भी 360 आ रहा है और हमारा चतुर्भुज में भी 360 आ रहा है। इंटीरियर एंगल 180 है, 360 है, बदल रहा है, लेकिन हमारा एक्सटीरियर एंगल नहीं बदल रहा है। यहां पे भी 360 है, यहां पे भी 360 है। तो दूसरा पॉइंट याद रखोगे कि सभी बहिष्कोणों का योग डिग्री होता है। क्या होता है 360 डिग्री होता है। लेकिन अगर हम अंतःकोणों के योग की बात करेंगे तो अंतःकोणों का जो योग होता है इसका फॉर्मूला अलग होता है। अंतःकोणों का योग सभी को पहले से वैसे मालूम होगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है। अगर मान लो हमारे पास में कितनी भुजाएं हैं, n भुजाएं हैं, तो क्या होता है n माइनस टू इंटू 180 डिग्री, ठीक है। अब ये तो हमारे कोण पे हो गया, एक हमारा हो गया अंतःकोण। सभी अंतःकोणों का योग कितना होता है n माइनस टू इंटू 180 डिग्री। सभी बहिष्कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। अंतःकोण और बहिष्कोण का योग कितना होता है 180 डिग्री। अच्छा, इसी में एक पॉइंट बस आपको और याद रखना है, वो है हमारा विकर्णों की संख्या। और दूसरा, अगर हमारे पास में एग्जाम में दिया हुआ है, हमें मान लो दो तरीके से सवाल पूछा जा सकता है, अंतःकोण दिया जा सकता है या बहिष्कोण दिया जा सकता है, और भुजाओं की संख्या पूछी जा सकती है। तो भुजाओं की संख्या के लिए आपको सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना है, इससे आपका आसानी से आ जाएगा। एन, जैसे हमने बताया कि जैसे हमारा त्रिभुज था तो हर प्रत्येक कोण कितने का था 120, और इसमें कितने का गुणा किया 3, किसके बराबर आ गया 360 के बराबर आ गया। चतुर्भुज में हर 22 कोण कितने का था 90 का, तो इसमें किसका गुणा किया 4 का गुणा किया, और टोटल हमारा कितना हो जाएगा 360 डिग्री हो जाएगा। ये क्या है, भुजाओं की संख्या, और ये हमारा क्या है बहिष्कोण। बहिष्कोण गुणे भुजाओं की संख्या बराबर कितना आता है 360। अगर हमें भुजाओं की संख्या एन निकालनी है तो हम क्या करेंगे 360 और बटे में क्या करेंगे बहिष्कोण कर देंगे। तो ये वाला फॉर्मूला भी याद रखना, और जब भी आपको भुजाओं की संख्या निकालनी हो तो आप यही वाला फॉर्मूला यूज करोगे, इससे आपको आसानी से भुजाओं की संख्या मिल जाएगी। सबसे पहले सवाल में ढूंढोगे कि बहिष्कोण कितना है। मान लो सवाल में अंतःकोण दिया तो भी बहिष्कोण निकालोगे, बहिष्कोण दिया तो भी बहिष्कोण निकालोगे, और अगर बहिष्कोण मिल गया तो भुजाओं की संख्या आप आसानी से निकाल सकते हो। उम्मीद है कि बात क्लियर हो गई होगी। एक पॉइंट बस और आपको याद रखना है, विकर्णों की संख्या।
अगर मान लो हमें किसी भी सवाल में ये मालूम है कि भुजाओं की संख्या कितनी है, तो जो विकर्णों की संख्या होती है वो होती है n, n माइनस 3 बाई 2। सिंपल सा फॉर्मूला है, आप इसे याद रख सकते हो। अब चलो एग्जांपल करते हैं फटाफट भाई, तभी तो हमको अच्छे से समझ में आएगा, जितना भी हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा उसका यूज भी तो समझना और उसको छोटे से छोटे में जल्दी से जल्दी कैसे कैलकुलेट करना। पहली बात तो यह है कि आधी चीजें आपको मन में कैलकुलेट करनी, तभी आप फास्ट हो सकते हो। अगर आप मन में कैलकुलेट नहीं कर रहे हो, पेन पेपर चला रहे हो, तो आपका जो स्पीड है वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कह रहा है 7 भुजाओं वाले एक बहुभुज की डिग्री में आंतरिक कोणों का योग। आंतरिक कोणों का योग मैंने फॉर्मूला बताया क्या होता है, n माइनस 2 इंटू 180। अब एग्जाम में अगर आप इस तरीके से लिखोगे, पहले ये लिखोगे, तो भाई टाइम ही नुकसान होगा, लिखने में टाइम नुकसान होगा, सोचने में टाइम नुकसान होगा, हर चीज में टाइम नुकसान होगा। सोचो आप ये लिखो कैसे, भुजा की संख्या 7 में से 2 घटाए 5 और गुणे में 180, कितना आ गया 900। ऐसे आपको एग्जाम में लिखना है, 900 डिग्री हमारा क्या हो जाएगा आंसर। किसी भी बहुभुज में अगर भुजाओं की संख्या मालूम है, 2 घटा के 180 का गुणा कर देना है, 7 में 2 घटाए 5 में 180 का गुणा किया, 18 5 90 900 डिग्री आंसर हो गया, मन में हल कर सकते हो। क्लियर। कह रहा है एक समभुज बहुभुज के कोणों का योग 2160 डिग्री है, तो कह रहा है इसमें भुजाओं की संख्या कितनी है। अब देखो इसमें बहिष्कोण का कॉन्सेप्ट नहीं लगता, अगर हमें अंतःकोणों का योग का फॉर्मूला दिया है तो हम बहिष्कोण का फॉर्मूला नहीं निकाल सकते। अब हमें क्या करना है, अगर बहिष्कोणों का योग का फॉर्मूला दिया है तो सबसे पहले तो देखो n माइनस 2 इंटू 180 होता है, क्या होता है n माइनस 2 इंटू 180, तो आपको करना क्या पड़ेगा भाई, आपको तो सबसे पहले 180 से भाग देना पड़ेगा ना, तो 180 से भाग दे तो जो भी दिया हुआ है 18 × 18 3 बचा 18 × 36 कितना आ गया, अरे सॉरी 180 है तो 0 से 0 कट जाएगा, 18 × 18 18 × 36, लेकिन ये किसकी वैल्यू आएगी, n माइनस 2 की वैल्यू आएगी, किसकी वैल्यू आएगी n माइनस 2, तो 2 और जोड़ दो, n का मान कितना हो जाएगा 14। क्या तरीका समझना है, अगर 22 कोणों का योग दिया है तो 180 से भाग देना है, 0 से 0 कट गया, 18 से भाग दिया कितना गया 1 और 2, और क्या करोगे 2 और जोड़ दोगे, 12 और 2 कितना हो गया 14, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कोई भी बहुभुज के सम दिया है, जैसे अगर आपको दिया है 720 है, क्या करोगे 18 से 180 से भाग दोगे ये गया 4, 18 से भाग दोगे 4 और प्लस 2 जोड़ दोगे कितना आ जाएगा 6, यही आंसर। 180 में पहले 0 काट दो, 18 से भाग दे दो, जो आए उसमें 2 जोड़ दो, वही हमारे क्या हो जाएगी भुजाओं की संख्या हो जाएगी, तो 4 × 2 = 6, षटभुज हो गया, 6 भुजाओं का होता है, उसका अंतःकोणों का सम कितना होता है 720, और कुछ तो आपको वैसे भी याद रहने चाहिए। ठीक है, एक सामान्य अष्टभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का माप कितना होता है, अच्छा देखो मैं कुछ लिख देता हूं, 3 4 5 6 7 8 9 10, एक हो गया इंटीरियर और एक हो गया एक्सटीरियर, फटाफट लिखो, इंटीरियर कितना होता है 60 डिग्री, एक्सटीरियर कितना होता है 120 डिग्री, 4 इंटीरियर कितना होता है 90, एक्सटीरियर कितना होता है 90, 5, अब क्या करोगे 360 में 5 से भाग दोगे तो पहले एक्सटीरियर मिल जाएगा, 360 में 5 से भाग दोगे 5 × 35 5 × 10 72 आ गया, अगर हम इधर बात करेंगे तो कितना बचेगा 108, दोनों का सम कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए। अगर 6 से भाग दोगे तो एक्सटीरियर 6 × 6 = 36, एक्सटीरियर पहले निकाल सकते हो 360/n करके, ठीक है, अब ये कितना बचेगा 120 बचेगा, 7 से भाग दोगे ये तो पूरा दशमलव में आ जाएगा, इसको छोड़ दो एग्जाम में बहुत कम पूछा जाता है, ये तो दशमलव में आ जाएंगे, अगर 8 से भाग देंगे तो 8 × 32 8 × 5 = 40, एक्सटीरियर आपका 45 हो जाएगा और इंटीरियर आपका 145 हो जाएगा, 9 से भाग दे देंगे 9 × 36 40 आ जाएगा और इधर 140 आ जाएगा, 10 से भाग दे दोगे इधर 36 आ जाएगा और इधर 144 आ जाएगा। तो आप कुछ तो आप याद रख सकते हो इसमें, जितने मैक्सिमम आप याद रखोगे उतना ही एग्जाम में आपका कैलकुलेशन क्या है कम रहेगा। तो ये भुजाओं की संख्या है, ये अंतःकोण है, ये आपके बहिष्कोण, ठीक है। सवाल में क्या पूछा, एक सामान्य अष्टभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण, प्रत्येक आंतरिक कोण कितने का होता है 135 डिग्री का होता है, निकालते कैसे हैं, आपको मालूम है कि टोटल अंतःकोणों का योग कितना होगा, तो n माइनस 2 वाला फॉर्मूला लगेंगे, तो 8 में से 2 गया 6, 6 × 180, और हमें क्या करना है कितने सारे कोण आपस में बराबर, ये कितने कोणों का योग है 8 कोणों का योग है, 8 से भाग दे दोगे ये आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, इस तरीके से निकालते हैं, इसको सॉल्व करोगे आंसर आपका 135 डिग्री आ जाएगा। मान लो अगर एग्जाम में 8 की जगह 15 20 25 दे दिया जाए तो आप क्या करोगे n माइनस 2 इंटू 180 अपॉन में n वाला, ये वाला फॉर्मूला लगा दोगे भाई। इतनी बात तो अभी तक आप समझ ही गए हो ना,
अगर अंतःकोणों का योग दिया है, सारे अंतःकोणों का, सभी अंतःकोण बराबर होते हैं तो नंबर से भाग दे दो बस, ठीक। कह रहा है एक समबहुभुज का प्रत्येक बहिष्कोण 9 डिग्री का है तो समबहुभुज की कितनी भुजाएं हैं? भाई क्या बताया मैंने, अगर आपको बहिष्कोण मालूम है तो बस 360 में भाग दे देना है, कितना आ जाएगा 40 डिग्री, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अरे सॉरी, कह रहे 40 डिग्री, 40 भुजाएं हैं, 9 डिग्री से भाग दिया है, नंबर मिलेगा, नंबर ऑफ साइड्स कितनी हो जाएंगी, 40 हो जाएंगी। कह रहा है एक समबहुभुज का प्रत्येक बहिष्कोण 22.5 डिग्री का है तो समबहुभुज की कितनी भुजाएं, 360 में 22.5 का भाग दे दो। अब 22.5 को देखो कैसे याद रखते हो, 25 × 9 तो 9 से काटो, ये आप 2.5 × 9 लिख लो इस तरीके से, 9 से काट दो कितनी बार गया, 40 बार, और ये हटा दो, 25 × 25 = 15, 25 × 150 = 150, 16 हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। या 25 लिखा है उसको 10/4 भी लिख सकते हो, इस तरीके से भी कर सकते हो, आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं एक समबहुभुज का आंतरिक कोण 150 डिग्री का है तो भुजाओं की संख्या कितनी होगी? अच्छा, आंतरिक कोण 150 डिग्री का है तो जो बहिष्कोण है वो हमारा कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। भाई दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। अब मैंने कहा भुजाओं की संख्या निकालनी और बहिष्कोण मालूम है तो क्या फॉर्मूला लगाओगे, 360/30। अब देखो यहां पे मैंने अंतःकोण वाला फॉर्मूला नहीं लगाया, जब भी भुजाओं की संख्या निकालनी है तो मैंने आपको बोला बहिष्कोण का फॉर्मूला लगाओ, आसानी से आ जाएगा आंसर, कितना आ जाएगा 12 भुजाएं। अब देखो इसमें अष्टभुज लिखा है, दसभुज लिखा है, सप्तभुज लिखा है, ये आपको तो मालूम है कि ये तीनों नहीं है तो द्वादशभुज हो जाएगा, द्वादशभुज, दसभुज मतलब 10 भुजाएं और द्वा का मतलब होता है दो, दो और बढ़ा दिया, द्वादशभुज मतलब 12 भुजाएं। एक नियमित बहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण 108 डिग्री का है तो भुजाओं की संख्या, अभी हम लोगों ने बात की थी 108, 72 किसका था, पंचभुज का था, ये 72 एक्सटीरियर एंगल हो गया, आपको क्या करना है 360 में 72 का भाग दे दोगे तो कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा, यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर। एंटीरियर एंगल दिया है तो एक्सटीरियर एंगल निकालोगे और भाग दे दोगे 360 में। कह रहा है एक समबहुभुज जिसकी प्रत्येक आंतरिक कोण 168 डिग्री के बराबर है तो भुजाओं की कुल संख्या, 180 में से अगर इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 12, 360 में अगर 12 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 30, भुजाओं की संख्या कितनी होगी 30, यही आपका आंसर होगा। अब देख लो कितनी जल्दी से निकाल सकते हैं, चाहे अंतःकोण दिया चाहे बहिष्कोण दिया है, दोनों के केस में हम लोग क्या निकालेंगे बहिष्कोण, और 360 में बहिष्कोण से भाग दे देंगे, हमें क्या मिल जाएगा भुजाओं की संख्या मिल जाएगी। कह रहा है एक समबहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण अपने बहिष्कोण से 36 डिग्री अधिक है, कह रहा है अंतःकोण और बहिष्कोण का अंतर दिया हुआ है, मतलब एक्सटीरियर और इंटीरियर, हमेशा इंटीरियर बड़ा होता है, त्रिभुज को छोड़ के बाकी सभी में इंटीरियर बड़ा होता है, त्रिभुज में हमारा अंतःकोण 60 डिग्री का होता है, बहिष्कोण 120 डिग्री का होता है, बाकी फिर आगे बढ़ते जाओगे तो अंतःकोण बड़ा होता जाता है और बहिष्कोण छोटा होता जाता है। तो कह रहा है इन दोनों का अंतर 36 दे रखा है और इन दोनों का सम आपको कितना दे रखा है 180 नहीं दे रखा है, लेकिन हमको मालूम है भाई अंतःकोण और बहिष्कोण का सम कितना होता है 180, हमें निकालना कौन सा है बहिष्कोण निकालना है। अब जब दो नंबर का सम दिया होता है, दो नंबर का अंतर दिया होता है, तो हम क्या करते हैं दोनों को घटा के आधा कर देते हैं, आधा करके घटा देते हैं, तो 90 में से 18 घटा दोगे कितना आ जाएगा 72, और 72 है तो नंबर ऑफ साइड्स निकालना है तो कितना आ जाएगा 360 में भाग दे दिया 5 आ जाएगा, और यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, क्लियर, बात समझ में आ गई। और आगे बढ़ते हैं, कह रहा है एक समबहुभुज के आंतरिक कोणों और बाह्य कोणों का अनुपात दे रखा है 4 और 1, 4 और 1 टोटल कितना हो गया 5, हमारे हिसाब से अंतः और बहिष्कोण का सम कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए, अगर 5 से भाग देंगे तो 5 × 15 5 × 31 = 36 डिग्री आ गया, और ये हमारा क्या कह रहा है, ये अंतःकोण है और ये हमारा बहिष्कोण है, हमें बहिष्कोण निकालना है, एक का मान किसके बराबर है 36 के बराबर है, और अगर हमें भुजाओं की संख्या निकालनी है तो 360 में किसका भाग देंगे बहिष्कोण का, आंसर कितना आ जाएगा 10, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। बोलो बात क्लियर हो गई सभी को, और आगे पढ़ते हैं, कह रहा है 27 भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्ण की संख्या कितनी होगी, विकर्ण की संख्या के लिए मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया, आपको याद रखना है n(n-3)/2, ये कितना हो जाएगा 27 में से 3 घटाए 24 और 27 और बटे में कितना आ जाएगा 2, 12, 4 × 3 = 7, 2 = 9, 5 × 3 = 8 = 10, 3 × 4 = 7, ये लो ये तो खत्म हो गया भाई, 9 का गुणा है तो 9 का मल्टीपल देख लिया, हमारा आंसर क्या आ गया बी ऑप्शन, वैसे गुणा कर सकते हैं 12 का गुणा करना बहुत बड़ी बात नहीं है, और यूनिट डिजिट भी दे सकते हैं 2 × 7 = 14, यूनिट डिजिट भी सभी का क्या है अलग अलग है, क्लियर हो गया सभी को। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है एक सामान्य बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग 1440 डिग्री है तो बहुभुज के कितने विकर्ण हैं? अब विकर्ण निकालने हैं तो हमें क्या चाहिए, भुजाओं की संख्या चाहिए, और भुजाओं की संख्या निकालने के लिए कैसे करोगे, ये हमें दे रखा है
टोटल सम मैंने क्या बताया 180, 180 से भाग दोगे तो पहले जीरो चला जाएगा, और 18 से भाग दोगे कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा, और 2 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 10। भुजाओं की संख्या कितनी हो गई 10, 10 में से 3 घटाया 7 और बटे में 2 कर दिया, कितना आ जाएगा 5 × 7 = 35। ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। पहले भुजाओं की संख्या निकाली, भुजाओं की संख्या निकालने के लिए क्या तरीका बताया था स्टार्ट वाले सवाल में, 180 से भाग दे दो और जो आया उसमें 2 जोड़ दो। 180 से भाग दे दिया 8 आ गया, 2 जोड़ दिया 10, भुजाओं की संख्या आ गई 10, और 10 में से 3 घटाया 7, 7/2, 10 × 7/2 = 70/2 = 35। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो देखो जितने भी टाइप के सवाल आपके पूछे जा सकते थे, चाहे वो एंगल से रिलेटेड हो, चाहे वो भुजाओं की संख्या से रिलेटेड हो, चाहे वो विकर्ण से रिलेटेड हो, सारे सवाल कर दिए। अगर इन्हीं सवालों को आप 2 से 3 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो एग्जाम का कोई भी सवाल आपके लिए कठिन नहीं होगा, आप सारे सवाल आसानी से कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और रेगुलर वीडियो को वॉच करिए। जितनी भी मैंने वीडियोस बना रखी हैं, अगर आपने पहली बार ये वीडियो देख रहे हो तो इसी सीरीज में मैंने और भी वीडियो बना रखी हैं, आप बाकी को भी देख लीजिए, उनसे भी आपको एग्जाम में बहुत सारा हेल्प मिलेगा। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।